चलिए कुछ अलग तरीके से समझे कि मैं का बहुवचन शब्द क्या होता है और आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं का बहुवचन शब्द के बारे में हम अच्छे से अच्छी जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि बहुवचन किसे कहते हैं ताकि आप मैं के बहुवचन शब्द को अच्छी तरह से याद कर सकें। तो दोस्तों जरा ध्यान से सुने कि जिस शब्द के रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। और वहीं पर अगर हम मैं के बहुवचन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं एक एकवचन होता है और मैं का बहुवचन शब्द हम होता है। यानी दोस्तों मैं का बहुवचन शब्द हम होता है और यह आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए और इन्हें अच्छी तरह से याद करना है, जिसके लिए आप भी हमारे साथ दोहराएं कि मैं का बहुवचन शब्द हम होता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि मैं किसे कहते हैं। मैं एक हिंदी शब्द होता है जिसका उपयोग स्वयं को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप अपने स्वयं की बात करते हैं तो मैं शब्द का प्रयोग होता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि मैं का बहुवचन शब्द क्या होता है। तो दोस्तों जरा ध्यान से सुने कि मैं एक एकवचन होता है और मैं का बहुवचन शब्द हम होता है। यानी दोस्तों मैं का बहुवचन शब्द हम होता है और यह आपको अच्छी तरह से याद करना है और इन्हें अच्छी तरह से याद करना है तो आप नीचे दिए गए उदाहरणों का उपयोग करें। जैसे कि यह मैं स्वयं हूँ, यानी स्वयं होने की बात की जा रही है और इसके लिए मैं शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि मैं एक एकवचन होता है। और वहीं पर हम सभी एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है जिसके लिए हम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हम एक बहुवचन शब्द होता है। तो इस तरह से दोस्तों मैं का बहुवचन शब्द हम होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपने सीखा कि मैं का बहुवचन शब्द क्या होता है। अगर आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।